तो भाई बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आगे और डिस्कस करते हैं काइरल सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। बात आती है भाई काइरल सेंटर पर। काइरल सेंटर पे आगे बढ़ने से पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसे देखते हैं। ठीक है, हमने देखा कि अगर कोई कंपाउंड PPL को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और रोटेट नहीं कर पा रहा है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब यहां पर ये आता है कि हम किसी भी कंपाउंड को देखकर कैसे बताएं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। स्टैंडर्ड तरीका तो वही है, जैसे ही आपको कंपाउंड मिले पेपर में, उस कंपाउंड को लेकर लैब में जाना है, लैब में टेस्ट करना है कि वो PPL को रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं कर पा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ऐसा करेंगे तो टाइम जाएगा भाई, ठीक है, इतना टाइम होता नहीं है। अब हमें क्या देखना है, डाइसिमेट्री देखना है। ठीक है, अगर डाइसिमेट्री अगर कंपाउंड में है तो वो उसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी, अगर कायरलिटी प्रेजेंट है तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देने वाला है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। ठीक है, मेनली हमें डाइसिमेट्री पर बात करना है। डाइसिमेट्री की एक कंडीशन कायरल सेंटर भी होता है कि आपके अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो उसमें डाइसिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है, डाइसिमेट्री मतलब एसिमेट्री, मतलब उसमें POS नहीं होगी और उसमें COS नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा कि कायरल सेंटर होता क्या है। ठीक है, काइरल सेंटर एक टेट्राहेड्रल एटम होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसकी चार वैलेंसीज होती हैं, जो चार डिफरेंट ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, या तीन ग्रुप ऑफ एटम्स और एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो काइरल सेंटर को हम डिफाइन कर सकते हैं ए टेट्राहेड्रल एटम, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है, दैट हैव इट्स ऑन फोर डिफरेंट वैलेंसीज और थ्री डिफरेंट वैलेंसीज विथ वन लोन पेयर, इज कॉल्ड काइरल सेंटर। एक ऐसा टेट्राहेड्रल एटम या sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिसकी चार डिफरेंट वैलेंसीज हो या तीन डिफरेंट वैलेंसीज एक लोन पेयर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, काइरल सेंटर। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की चार डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं। ठीक है, मतलब मेनली sp3 हाइब्रिडाइज के लिए क्या होना चाहिए, चार सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर रहा है भाई, काइरल सेंटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें इस नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन पर AR1, AR2, AR3 तीन डिफरेंट वैलेंसीज एक लोन पेयर, तो ये भी काइरल सेंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, मेनली हम काइरल सेंटर की अगर आगे बात करेंगे तो वो कार्बन से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बन ही होना चाहिए, कार्बन के अलावा कोई भी एटम, टेट्राहेड्रल एटम होना चाहिए जिसकी चार डिफरेंट वैलेंसीज होना चाहिए या तीन डिफरेंट वैलेंसी एक लोन पेयर होना चाहिए, उस सेंटर को हम काइरल सेंटर कहते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर इस नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन की यहाँ तीन वैलेंसी R1, R2, R3 और एक H। ठीक है, ये भी काइरल सेंटर होगा। इस सल्फर को देखो, सल्फर पे एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन थोड़ा सा अलग है यार। ठीक है, ये 16 वाला है, ये 18 वाला है। ठीक है, इसे भी अलग वैलेंसीज मानेंगे। ठीक है, तो ये भी एक हमारा काइरल सेंटर होगा। इसको देखो भाई, ये हमें दिया है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड के इस कार्बन को देखो। ठीक है, यहाँ पर एक एच है, एक OH, एक COH और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये जो कार्बन है ऊपर वाला वो भी काइरल सेंटर। ठीक है, नीचे वाले कार्बन की अगर बात करें तो एक H, एक COH, एक OH और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये भी एक काइरल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें भाई, ठीक है, नेक्स्ट हमें ग्लूकोज गिवन है, तो ग्लूकोज के इस कार्बन को देखो। ठीक है, इस कार्बन को देखेंगे तो एक CHO, एक H, एक OH और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये काइरल सेंटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, काइरल सेंटर हो गया भाई। दूसरे वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, एक H, ठीक है, एक OH और एक पूरा ग्रुप और एक ये वाला पूरा ग्रुप, तो ये भी एक काइरल सेंटर, चार डिफरेंट वैलेंसीज आ रही। ठीक है, यहां पर देखते हैं इस कार्बन को, एक OH, एक H, एक ये वाला पूरा ग्रुप और एक ये वाला पूरा ग्रुप, तो ये भी एक काइरल सेंटर। नीचे वाले कार्बन को देखो, एक H, एक OH, एक CH2OH और एक ये पूरा ग्रुप भाई, तो ये चार डिफरेंट वैलेंसी। क्या ये कार्बन काइरल है? नहीं है भाई, देखो यहाँ CH2 आ रहा है, चार डिफरेंट वैलेंसी तो हुई नहीं ना, तो यहाँ पर ये काइरल सेंटर नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये साइक्लोप्रोपेन हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये H, ये H, तो ये काइरल सेंटर नहीं हो सकता।
यहाँ पर देखोगे तो एच एच ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता, यहाँ देखोगे तो एच और ये एच कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो, ठीक है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखोगे एक सी एच थ्री, एक एच और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे सी एल मिल रहा है, ठीक है, दूसरी पोजीशन पे। यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे सी एल नहीं मिल रहा है, मतलब इसकी डिफरेंट वैलेंसीज होने वाली हैं, तो ये कायरल सेंटर हो गया। इसको देखो, इसको दो एच आ रहे हैं तो ये कायरल सेंटर हो नहीं सकता है। इस कार्बन को देखो, एक सी एल है, एक एच है और एक यहाँ से जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, दो एच और यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, और यहाँ से जाओगे तो एक सी एच थ्री, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वैलेंसी हुई। यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर सी एस थ्री मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एच मिल रहा है ना, यहाँ पर सी एस थ्री थोड़ी मिल रहा है, तो ये डिफरेंट वैलेंसीज हुई, तो ये कायरल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस कार्बन को देखो, तीन एच आ रहे हैं, ठीक है, सेम आ रहे हैं, तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता। इस कार्बन को देखो, दो एच आ रहे हैं, कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। इस कार्बन को देखो, एक एच, एक सी एल, एक सी एस थ्री और एक सी टू एच फाइव, तो डिफरेंट वैलेंसीज, ये कायरल सेंटर, ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर तीन सी एस थ्री आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ये आती है कि अगर आपके कंपाउंड में कायरल सेंटर है, अगर कायरल सेंटर होना 100% गारंटी नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, कि कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, लेकिन एक गारंटी पर बैठ रहे कि अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर होता है, सिर्फ आपके कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर होता है, तो 100% गारंटी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन एक से ज़्यादा कायरल सेंटर अगर आपके कंपाउंड में होते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर आपके पास कायरल कार्बन एक से ज़्यादा या कायरल सेंटर एक से ज़्यादा होते हैं, तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है डाइसिमेट्री, हमें डाइसिमेट्री देखना है भाई कंपाउंड में। अगर हमारे कंपाउंड में डाइसिमेट्री नहीं हुई, ठीक है, डाइसिमेट्री हुई मतलब उसमें सिमेट्री नहीं हुई, तो हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कायरल सेंटर होना 100% गारंटी नहीं देता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक कायरल सेंटर होना 100% गारंटी देता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्योंकि अगर हमारे कंपाउंड में एक से ज़्यादा एक कायरल सेंटर है, तो ये और इसकी मिरर इमेज एक दूसरे से नॉन सुपरइम्पोजिबल होने वाली है, इनमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होने वाली है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास डाइसिमेट्री का, राइट। डाइसिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं डाइसिमेट्री। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें डाइसिमेट्री प्रेजेंट होगी, और डाइसिमेट्री है तो कायरलिटी होगी, और कायरलिटी है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव देखने का, वो है डाइसिमेट्री। डाइसिमेट्री का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कुछ लेना देना नहीं है भाई, अगर हो तो बढ़िया, ना हो ज्यादा बढ़िया भाई, कोई टेंशन नहीं लेनी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। हमें जो मेन फोकस करना है वो है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री पर। हमें मेनली कंपाउंड में अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ये देखना है, ठीक है। एक कायरल सेंटर जब होता था ना, तो उसमें क्या होता था, पीओएस भी नहीं होती थी और सीओएस भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से हमने ये कहा कि एक कायरल सेंटर है तो 100% गारंटी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें पीओएस नहीं होगी और सीओएस नहीं होगी। मतलब जब भी मुझे ऑप्टिकली एक्टिव देखना है कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, तो मुझे पीओएस और सीओएस चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है
तो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर दोनों प्रेजेंट हो गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो पीओएस नहीं होगी और सीओएस भी नहीं होगी। अब ये पीओएस क्या होता है और सीओएस क्या होता है, इनकी बात करते हैं। पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर प्लेन होती है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से काटती है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो जाता है। ठीक है, एक कंपाउंड में एक से ज्यादा पीओएस हो सकती है, लेकिन जब हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है तो अगर एक भी पीओएस प्रेजेंट हो गई तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट निकल रहे हैं। पीओएस क्या होता है, एक एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर प्लेन टू द मॉलिक्यूल विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन सच ए मैनर दैट वन पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट। एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से काटे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट की क्या हो जाए, मिरर इमेज हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक कंपाउंड में एक से ज्यादा पीओएस हो सकती है, लेकिन जब हमें कायरलिटी ये दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव चेक करना है तो सिर्फ एक पीओएस की रिक्वायर्ड है कि अगर एक पीओएस प्रेजेंट हो गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है वो। ए कंपाउंड कैन हैव मोर देन वन पीओएस बट टू चेक कायरलिटी ओनली वन पीओएस इज रिक्वायर्ड। एक पीओएस ही रिक्वायर्ड होगी अगर कायरलिटी चेक करना है तो। ठीक है, अब ये पीओएस क्या होता है, किस तरह से चेक करते हैं, आ जाओ देखते हैं भाई। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए शेप का है। ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से काटता हूं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई, तो यहां पर पीओएस प्रेजेंट है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। बी की अगर बात करें तो बी यहां पर देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से काटता हूं भाई, ये प्लेन है भाई मेरी ये वाली, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल रखा हुआ, मैं यहां से काट रहा हूं, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज हो गई, मतलब यहां पर भी पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। सी को देखो, यहां से काट सकता हूं, एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज, पीओएस प्रेजेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। डी की अगर बात करूं, इस मॉलिक्यूल को यहां से काटता हूं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज, ठीक है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन को यहां से काटता हूं भाई मैं, ये पार्ट इस पार्ट की मिरर इमेज, ये पार्ट इस पार्ट की मिरर इमेज, ठीक है, तो यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट हो गई, और अगर पीओएस प्रेजेंट हो गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेंजीन है, यहाँ से काट सकता हूँ, ठीक है, एक से ज़्यादा पीओएस प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन जब हमें ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है तो सिर्फ एक पीओएस की रिक्वायर्ड है, यहाँ तो पीओएस बहुत सारी प्रेजेंट हैं, और पीओएस प्रेजेंट हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। मतलब अगर हमें कंपाउंड को चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो हमें दो चीज़ चेक करनी है, पीओएस और सीओएस। अगर इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों प्रेजेंट हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों ऑब्सेंट हुई तो ऑप्टिकली एक्टिव। राइट, इतनी सी बात है भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। राइट, तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट जिस पर अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन चलने पर इक्वल डिस्टेंस, अगर मुझे सेम ग्रुप अगर मिले तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं यहाँ पे भी चल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ चलता हूँ इक्वल डिस्टेंस चलता हूँ, अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप मिलते हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यहाँ पर भी चल सकता हूँ भाई, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम ग्रुप मिले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यहाँ चलता हूँ, अगर इक्वल डिस्टेंस चलने पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप अगर मिले तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास देखो एक अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन गिवन है यहाँ पर, इस पॉइंट को देखो, ठीक है, इस पॉइंट को देखो, अगर मैं इक्वल डिस्टेंस चलता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ चलता हूँ तो यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, CH3, यहाँ चलता हूँ तो यहाँ क्या मिल रहा है, CH3।
इस डायरेक्शन में चलता हूं तो एच मिल रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एच मिल रहा है इक्वल डिस्टेंस चलने पर। मतलब यहां पर क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। और यहां पर POS तो प्रेजेंट है ही ना, POS किस तरह से प्रेजेंट है, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है भाई, कुछ इस तरह से प्लेन होगी यहां पर, ये इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस प्लेन को यहां से ऐसा काटता हूं, यहां से मैं ऐसा काटता हूं, ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, ऐसे काटता हूं या ऐसे काटता हूं, तो ये इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर में जो जाएगी। मतलब यहां पर COS भी प्रेजेंट है, POS भी प्रेजेंट है, तो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। दूसरा केस देखो, अगर मैं इसका ट्रांस की जगह अगर सिस बनाता हूं, तो इस पॉइंट को अगर देखूं तो यहां पर इक्वल डिस्टेंस चलने पर यहां पर CH3 मिल रहा है, यहां H मिल रहा है भाई, ठीक है, यहां चलूंगा तो यहां H मिल रहा है और यहां CH3 मिल रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस तो चल रहा हूं लेकिन मुझे सेम ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो यहां पर COS प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन POS तो प्रेजेंट है। अगर POS प्रेजेंट है मतलब वही प्लेन में है, ऐसा काटूंगा या ऐसा काटूंगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज हो जाएगी, तो यहां पर ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आपके कंपाउंड ओड मेंबर रिंग है, ठीक है, ओड मेंबर रिंग अगर आपका कंपाउंड है तो वो उसमें कभी भी COS नहीं होती है। ओड मेंबर रिंग नेवर हैव COS, ओड मेंबर रिंग में कभी भी COS नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो हमारे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, ये ध्यान रखना है, अगर ओड मेंबर रिंग है तो उसमें कभी भी COS नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमें कंपाउंड को चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो दो चीज चेक करनी है, एक POS और दूसरा COS। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, अगर दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट हो गई तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आज हमने ये देख लिया है कि कंपाउंड को अगर चेक करना है ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो दो चीज चेक करनी पड़ेगी, POS और COS, ठीक है। एक काइरल सेंटर का होना, ठीक है, POS और COS का नहीं होने को क्या कर रहा था भाई, सुनिश्चित कर रहा था कि अगर एक काइरल सेंटर है तो ना उसमें POS होगी ना COS होगी, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा था, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वो है डाइसिमेट्री, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो है हमारे पास क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं POS और COS से रिलेटेड। हमें ये पता करना होगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ना मत भूलना यार, ठीक है, पढ़ना है हमको, क्योंकि हमें JEE और नीट क्लियर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, जय हो।